निकालना होता है, ये सब कुछ निकालना होता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग को एक न्यू व्लॉग में, और स्वागत करती है ये शिल्पा मेथी। सो कल के जैसा ना हो इसकी वजह से आज मैंने सुबह सुबह ही फ़ोन पकड़ लिया है, क्योंकि कल बाद में करूँगी बाद में करूँगी, करते करते व्लॉग करने में बहुत लेट हो गया और बहुत कुछ। सो कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक्चुअली क्या हुआ पता है, कल जब मैंने व्लॉग एंड किया ना, तो उसके बाद जीजू मुझे बोल रहे थे, बोलो बोलो कि तुम्हें कमर में दर्द हो रहा है। एक्चुअली कल मुझे ना कमर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब पूरा दिन ऐसे खड़ी रही थी मैं इधर उधर करके, और फिर पता नहीं ये दो दिन तीन दिन से घूम भी रही हूँ तो मुझे कमर में दर्द हो रहा था। फिर भी मैं शाम को गई थी मंदिर। सो वाह, पूजा भी हो गया, आज है विजयादशमी। सो सुबह विजयादशमी, आज दुर्गा पूजा का एंड है। सो आज तो दुर्गा पूजा का एंड है, और फिर एक साल बाद माँ आएगी, तब तक हमें माँ को सिर्फ हम याद कर सकते हैं, माँ तो आज चली जाएगी। सो लेकिन माँ का छाया तो हमारे पास हमेशा बना ही रहेगा ना हमारे ऊपर। तो माँ चली जाएगी इसका तो दुख है, लेकिन दशमी कितने अच्छे से हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही अच्छे से धूमधाम से। सो अगर हम लोग आज बाहर निकले तो आप लोगों को दशमी भी दिखा सकूँगी, और हमारे घर के बाहर से भी, मतलब सामने से भी बहुत लोग दशमी के लिए जाते हैं, मतलब माँ को विसर्जन करने के लिए। तो विसर्जन हो सकेगा तो लोग अगर इधर से जाएंगे तो आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी, मतलब आप लोगों को सब कुछ दिखाएगी शिल्पा आज के दिन में जो भी होगा। सो बने रहिए ब्लॉग पे। अभी मैं घर पे झाड़ू लगा रही थी, आटा झाड़ू लगा के मैं आप लोगों से बातें करने लग गई, साई बाई पी के फिनिश हो गया, और अभी काम करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी, और उसके बाद टेन टेन एन आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊँगी। बने रहिए ब्लॉग खत्म, और अभी बेटू और मैं बैठे हुए हैं। बेटू बेटू बेटू, हाँ हाँ। सो अभी मम्मी नहा रही है, उसके बाद एक एक करके सब लोग नहा लेंगे। फिलहाल तो बैठे हुए हैं, आज दशमी है तो बहुत लोग इधर से जाएंगे ना, हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप लोग को कब दिखाएं और हम भी कब देखें। हाँ मेरा बेटा ना कल से भूखा है, तो इसको ना वो अभी उसको स्माइल ही नहीं आ रहा है इसके वजह से। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो आज का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहा के आ चुकी हूँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हेलो, ब्रेकफास्ट डन 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 डन, और इसके बाद खाएंगे रबाब तेंगा। रबाब तेंगा भी मतलब आज आप लोगों को रबाब तेंगा छिलका तो हम लोगों ने निकाल ही दिया, लेकिन फिर भी मतलब गोटा गोटा दिखाएंगे, गोटा गोटा कि आप लोगों को भी पता चले रहा है कैसा दिखता है, मतलब ऐसे ही बीज इतने में से राउंड होता है, उसके ऊपर का छिलका दिखाने से एक्चुअली आप लोगों को भी पता चलेगा। इधर पे दशमी के लिए ये कटक, हाँ सो यहाँ पे ना इतना ठाक बज रहा है ना ठाक, सो आज दशमी है ना, आज दशमी है ना, तो इसके लिए मंदिर पे सब लोग जाएंगे विसर्जन के लिए, इसी वजह से बज रहा है। मुझे मौका मिलते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और अभी बाहर बैठी हूँ थोड़ा सा रिलैक्स। रिलैक्स तो हो ही नहीं पाते ज़िंदगी में, आप लोग हो पाते हो। सो आप लोगों को बोली थी ना मैं दिखाऊंगी रबाब तेंगा आप लोगों को, इसका छिलका तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये ऐसा दिखता है। ये सब कुछ निकाल के इसके अंदर जो ऐसे बीज है ना, इसको निकालना होता है। ये सब कुछ निकालने के बाद अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है, और ये दो कलर का होता है, मतलब ये तो ऐसे बेबी पिंक कलर का है ना, और वाइट कलर का भी होता है। सो हर कुछ भी टेस्टी ही होता है ना। गाइस यहाँ पे तेल दे दिया, नमक दे दिया, एंड यहाँ पे मिर्च रेडी है, तो ये सब कुछ मिला के कितना टेस्टी होगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। हे
भी ख़त्म और एक विसर्जन भी आप लोगों को दिखा दिया। मैं रोकते हैं खा ही रही थी, अचानक से विसर्जन के लिए आए तो मैं जल्दी से फोन लेके आ गई और आप लोगों को दिखाई। अच्छा लगता है ना ये सब देख के, अच्छा लगता है। और अभी तक मंदिर का तो दिखाना आप लोगों को बाकी है, वो तो आप लोग देखोगे इसी ब्लॉग। गुड नाइट, खाना पीना खा के अभी मैं सो रही हूँ, उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। और उठ के मतलब सोते सोते अगर पूजा का विसर्जन के लिए कोई आएगा तो मैं तब भी उठ जाऊँगी और तभी आप लोगों से मिलूँगी। अभी मैं सो जाती हूँ, बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। फिर से विसर्जन आया है, अभी कामाख्या टेम्पल में जो पूजा होता है उसका विसर्जन होने के लिए आया है, तो आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। बने रहिए, आया है, आवाज़ सुन रहे हैं ना, अभी आप देख के मैं उसे दिखाती हूँ। मैं मैं आप लोग को हर दिन घुमा रही हूँ, आज भी अब मैं रेडी हो गई, अभी 6 बजने वाले हैं और मैं फुल तैयार कहाँ जाऊँगी। उस दिन आप लोगों को प्रॉमिस किया था ना कि एक पूजा जो अधूरा था वो कंप्लीट करने, और थोड़ा मार्केट में जाना था, कुछ सामान लेना था, तो क्योंकि पूजा चल रहा है तो मैं उसी हिसाब से तैयार हुई हूँ। क्या ये तैयार हुई हूँ, आई लाइनर लगाया है और लिपस्टिक। चलो मैं रेडी, आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर, थोड़ा सा घुमा लाती हूँ क्योंकि ऐसे आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, है ना, मैं भी हो रही थी, इसलिए बाहर चलते हैं और आप लोगों को घुमा के लाती हूँ। चलो, प्रॉमिस फुलफिल करने का वक्त आ चुका है। उस दिन आप लोगों को यहीं से वापस लेके गई थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि इसके अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता और फिर भीड़ में बच्चा लेके बहुत ही टफ हो जाता। इसके लिए हम लोग अंदर जाते जाते वापस आ गए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज हम लोग तो पूजा देख के ही वापस लौटेंगे। यहाँ से अंदर जाने के लिए उस दिन ये सब जो आज बेम्बो वगैरह बांध के दिया गया है ना, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि बहुत लोग एक साथ अंदर घुस पा रहे थे। लेकिन आज क्या है, उन लोगों को भी मतलब पता चल चुका है कि ऐसे नहीं होगा, तो उन लोगों ने आज अच्छे से मैनेजमेंट किया है सब कुछ और आज बहुत ही अच्छे से हम लोग अंदर जा पा रहे हैं। और अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है, यहाँ का मेन मतलब अट्रैक्शन ही यह है कि एक्वेरियम थीम जो मेरे जीजू ने पहले ही देखा था, ये देखिए नीचे भी एक्वेरियम लगाया गया है, जिसके वजह से एक्चुअली लोगों को कम लोगों को अंदर घुसने के लिए दिया जा रहा है। और फिर ये ऊपर का पूरा मतलब सजावट भी ये एक्वेरियम थीम में ही है, देखिए मछली लगाया हुआ है, देन थोड़ा थोड़ा पानी का वेव वगैरह दिया गया है कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये उभर के आए और पूरा ऐसा फील हो रहा था कि हम एक्वेरियम में हैं। और क्या है कि दोनों साइड में देखिए पेड़ का एक कुछ बनाया हुआ था और साइड में ये एक्वेरियम भी लगाया गया था, मतलब रियल में यहाँ पे मछली थी, मतलब देखिए पूरा एकदम एक लाइन यहाँ पे फिश ही है। सो यहाँ पे मैंने म्यूट इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गाने भी बज रहे थे और आप लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हो इतना ज़्यादा शोर शराबा सुन के, है ना। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन इधर उधर बज ही रहा है, कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि जब तक अपने पास माइक नहीं आएगा तब तक तो हमें ऐसे ही सुनना पड़ेगा। और यहाँ का मूर्ति भी देखिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा लगा मूर्ति देख के, मतलब बहुत ही अनोखा सा था, बहुत अच्छा लगा।
और फिर पंडाल से निकलने के बाद, ये तो उस दिन भी आप लोग को दिखाया था, आज भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया। और कितने ज़्यादा लोग हैं आज भी आप लोग देख सकते हो, मतलब हमारे यहाँ पे भीड़ कभी भी कम नहीं होगी, आपको तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हेलो, आप लोगों को मोस्ट एवेटेड पूजा दिखा दिया, उस दिन हम लोगों ने नहीं दिखाया ना, तो आज वो पूरा कर दिया। आज दशमी है लेकिन हमारे यहाँ पे दशमी आज नहीं, कल करेंगे, दूसरी जगह पे हो रहा है, मालीगांव एरिया में नहीं हो रहा आज। तो अब हम दूसरी पूजा में जा रहे हैं जो हम लोगों ने नहीं देखे थे। चलो आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। ये वाला कैसा लगा? मस्त था ना, बहुत ही अच्छा था, लेकिन ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया क्योंकि ग्लास है ना, ज़्यादा देर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकता है इसके लिए। चलो दूसरा पूजा दिखाती हूँ। अब जा रहे हैं फिर से एक न्यू पंडाल में, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है और एक पहाड़ी के ऊपर जैसे है, जैसे अभी आप लोग देख सकते हो कि ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा चिड़ी, और यहाँ पे एकदम मतलब इंडिपेंडेंस डे वाला थीम रखा है। सो यहाँ पे पूरा ऑरेंज, मतलब वो भाषा में सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन का ऐसा थीम रखा गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अलग अलग फाइव है हर पंडाल में, और यहाँ का मूर्ति भी बहुत सुंदर था, और साथ में ना यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन भी हुआ जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद आए हम दूसरे पंडाल में, ये भी बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है, और इसके अंदर आप लोग अभी देखेंगे कितने ज़्यादा एट्रैक्टिव मतलब चीज़ें हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और कुछ चीज़ें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से मतलब यूज़ किया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी थोड़ी देर में कैसे, थोड़ी मतलब सोच मतलब कितनी अलग हो सकती है और कितनी सुंदर से सजाया जा सकता है, ये आप लोग देखोगे इस पंडाल में। चले आगे बढ़ते हैं और मैं आगे तक आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या हो सकता है हमारे इधर। सो अंदर आते ही इस पूजा पे ना, या ये जो एक थीम बनाया गया है जो पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में भी नहीं, भगवान लोग जब ऐसे युद्ध में जाते थे ना, कृष्णा तो ये सब ऐसे घोड़े लेके जाते थे ना, वो एक फाइव यहाँ पे है। देन अंदर जाते ही आप लोग इधर पे जो कलरफुल देख रहे हो, ये क्या है पता है? कपड़े बुनने के बाद, एक जोड़ी कपड़े के बाद नेक्स्ट जोड़ी तक जाने का जो सफ़र होता है उस पर एक लाइन बनता है कपड़े का, वो लाइन यहाँ पे यूज़ करके इतना कलरफुल सा डिज़ाइन बनाया गया है जो कि मुझे बहुत ही इनोवेटिव लगा और बहुत ही अलग सा आइडिया लगा। बाकी तो हर कुछ आइडिया मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आइडिया ना मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा। यहाँ पर मूर्ति भी बहुत ही अच्छा है, वाइट थीम में पीश वाला फाइव है। यहाँ पे साइड में देखिए इतनी अच्छी अच्छी कारीगरी की है, और साइड में वो कलरफुल देख रहे हैं ना, वो है। फिर हम लोग इस पूजा से भी निकल आए हैं, अभी हम लोगों को मार्केट जाना है, और मार्केट में जाते ही और एक पूजा मिलेगा तो हम लोग वो पूजा भी एक साथ ही देख लेंगे। सो अब हम आ गए हैं दूसरी पूजा में, ये तो आप खुद ही इंजॉय कर लीजिए।
चलो 2023 का लास्ट पूजा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। भगवान की कृपा से ये पूजा मंडप भी बहुत ही सुंदर था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुंदर चीज़ भी फ़ोन पे या कैमरा पे इतना अच्छा नहीं दिखता, जैसे कि ये पूजा ना ऐसे जल गया है। देखिए कैमरे पे मैं जब देख रही हूँ, इस पर जो सुंदरता है वो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। अब अभी अंदर मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी, ये बाहर का तो थोड़ा सा दिख ही रहा है ना, यह पानी वाला दिख रहा है, लेकिन अभी अंदर लेके जाऊंगी ना तो आप लोगों को मतलब मुझे इतना मतलब बुरा लगा कि मैं आप लोगों को ये दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि अंदर जाते ही यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर सजावट था, लेकिन क्या हुआ कि नीला लाइट है ना, ब्लू लाइट की वजह से सब कुछ जला जला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाया गया है, मतलब वो जो होता है फोम वाला जो व्हाइट, क्या नाम है मुझे, मैं भूल ही गई एक्चुअली अभी, तो उस पेपर से इतना अच्छा अच्छा बनाया गया है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर लग रहा था ये पूजा रियली में। लेकिन कैमरा पे कुछ भी नहीं आया, और ऊपर पे ना ऐसे डाफ बनाया गया था, बहुत ज़्यादा लगाया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं आया कैमरे में, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ा। और इसलिए मैंने आप लोगों को इस पूजा से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि जो आ ही नहीं रहा है तो क्या ही दिखाऊं, सिर्फ मूर्ति ही दिखा पाई अच्छे से। चलो पूजा एंड, और अभी मैं घर जाती हूँ। हेलो, हम लोग आ गए थे घर, और अभी पता नहीं कितने बजे हैं, 9:30 हो चुके गए हैं, और अभी मैं बाहर बैठी हुई थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। कितनी बार रिलैक्स करती हूँ बोलती हूँ, लेकिन नहीं करती यार, अभी आके बैठी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूँ, भूल ही गई थी, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था षष्ठी के दिन कि मैं आप लोगों को पूजा दिखाऊंगी, और जो पूजा मैंने बाहर से दिखाया है वो आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊंगी। और सप्तमी के दिन हम लोग गए थे, लेकिन वो मैंने फुलफिल नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन आज दसवीं के दिन मैंने वो फुलफिल भी कर दिया, क्योंकि मैं प्रॉमिस हमेशा निभाती हूँ, सो आज भी निभाया। आप लोगों को कैसा लगा एक्वेरियम वाला? मस्त था ना एकदम, पता नहीं कैमरे में कितना आया होगा, लेकिन रियली में बहुत ही सुंदर था। और उसके बाद जो एक आया था, मतलब कौन सा वाला बोलूँ, थर्ड नंबर में जो आया था, आई थिंक बहुत ही सुंदर था ना, ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पूजा देखने में मज़ा ही आ जाता है। और एक उसके बाद लास्ट में जो दिखाया वो ना बहुत ही सुंदर था, लेकिन क्या हुआ कि फ़ोन ना उसकी सुंदरता को कैप्चर नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जो चीज़ रियली में बहुत ज़्यादा सुंदर है वो शायद कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, तो वही मैं समझ रही हूँ। क्योंकि जो लास्ट पूजा मैंने आज देखा वो ना बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो ना कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, जिसके वजह से ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं दिख रहा था ना, एकदम ये ब्लू लाइट आ रहा था, तो मुझे ये पता चला आज। लेकिन रियली में तो बहुत सुंदर था, जिन लोगों ने इधर जो लोग मतलब इधर थे और जिन लोगों ने देखा बहुत ही सुंदर लगा होगा उन लोगों को। सो अभी तो मैं बैठी हुई हूँ, मम्मी खाना बना रही है, अभी खाना आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारा तो मालेगांव का दशमी अभी तक हुआ नहीं, मतलब दशमी आज है लेकिन विसर्जन आज नहीं हुआ, कल तक होगा शायद। और जो एक्वेरियम वाला दिखाया था वो तो और कुछ दिनों तक रहने वाला है। सो पूजा का एंड हो गया, मेरा छुट्टी का भी एंड, कल से बैक टू वर्क, कल से सुबह 5:30 को उठना है, फिर वही नॉर्मल ज़िंदगी। ये 4 दिन मैंने अच्छे से बिताया, पूजा देखा, घूमा फिरा, जो मैं इतने महीनों से नहीं घूम रही थी ये 4 दिन में घूम लिया। अच्छा लगता है ना कभी कभी ऐसे घूम फिर के। चलो आज के व्लॉग से बाय बाय करते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।